यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अभी तक हम लोग जाने कि ब्लड जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.3 से लेकर 7.5 तक। तो हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.3 से लेकर 7.5 तक। तो क्या हुआ कि ये 7 से ऊपर है, तो 7 से ऊपर है तो क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, तो आप लोग ब्लड के पीएच मान से भी पता कर सकते हैं कि ब्लड क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या उदासीन होता है। ठीक है, तो रुधिर को दो भागों में बांटा गया है, ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रुधिर प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्लाज्मा। दूसरा भाग है ब्लड का रुधिराणु या रक्त कणिका, तो इसे अंग्रेजी में ब्लड सेल कहते हैं। तो पहला भाग है ब्लड का, पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है ब्लड सेल। तो ये पूरे ब्लड का, इन दोनों का सामूहिक रूप ही क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जो सामूहिक रूप होता है इन दोनों का, तो उसमें क्या होता है कि 55 से 60% क्या होता है उसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 40 से लेकर 45% तक क्या होता है उसमें ब्लड कणिकाएं होती हैं, ब्लड सेल होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रुधिर प्लाज्मा जो होता है वह ब्लड सेल को हमेशा शरीर में दौड़ाता रहता है। ठीक है, समझिए कि जैसे कि हम लोग समरसेबल से पानी निकालते हैं, तो समरसेबल में क्या होता है कि कभी कभी पानी की टंकी में हमारे बालू आ जाता है, बालू का कण। तो क्या होता है, जब समरसेबल चलता है तो वो अपने जो प्रेशर से चलता है तो जल क्या करता है, उस बालू के कण को बहाते हुए लेके चला जाता है और टंकी में लाके डाल देता है। तो इसी प्रकार जो रुधिर प्लाज्मा होता है ये भी अपने अपने साथ, जब हार्ट हृदय जब इसको प्रेशर देता है जल की तरह प्लाज्मा को, तो ये भी ब्लड सेल जैसे कि बालू के कण को, जैसे कि ठीक है रक्त कणिका को, ये अपने अंदर बहाकर लेकर चला जाता है, पूरे शरीर में इससे अपने संग संग घुमाता रहता है। ठीक, तो आज हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में, हम दूसरे वीडियो में जानेंगे रुधिर कणिका के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा वीडियो बनाने के लिए ही हम रुधिर प्लाज्मा को केवल, मतलब प्लाज्मा को ही हम इस वीडियो में लेंगे। रुधिराणु ये बड़ा टॉपिक है, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं रुधिर प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा क्या होता है, यह हल्का पीला, यह हल्का पीला साफ पारदर्शी चिपचिपा पारदर्शी निर्जीव तरल पदार्थ होता है। ऐसा है कि जो ये रुधिर कणिकाएं होती हैं, ब्लड सेल होती हैं, वो जीवित रहती हैं, लेकिन ये जो प्लाज्मा होता है ये मृत होता है, जैसे जल की तरह। ठीक है, ये क्या होता है, हल्का पीला होता है। आप लोग कोरोना काल में देखे होंगे कि कोरोना काल में प्लाज्मा को निकाला जाता है, तो ये थैली वगैरह में जो उसका बर्तन होता है उसमें लिए रहते हैं, तो उसमें देखेंगे हल्का पीला, जैसे पेशाब होता है ना, पीला पेशाब, उसी प्रकार वो होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हल्का पीला होता है, जैसे कि पानी में कोई थोड़ा सा पीला रंग डाल दिया हो। चिप, ये साफ भी होता है, ये आर पार दिखता है, एकदम साफ होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, ब्लड जानते हैं चिपचिपा होता है, पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है, निर्जीव होता है, ये जीवित नहीं होता है, और क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। रक्त का लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। कितना होता है, 55 से 60% पूरे ब्लड का। यदि कोई पुरुष मनुष्य, यदि कोई मनुष्य 70 kg का है तो उसके अंदर 3.5 लीटर क्या होगा, प्लाज्मा। ठीक है, इसमें 90% जल क्या होता है,
और इसमें 90% मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं 91% दिखा देगा, तो 90 से 91% जल पाया जाता है और 9 से 10% क्या पाया जाता है, कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पे 91 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे अगर 90 करेंगे तो ये 10 ही रहेगा। ठीक है, कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण, तो हम पहले बता दें कि पीएच मान इसका क्या होता है, 7.4, 7.3, 7.5, इसमें से कोई भी 7.3 से लेकर 7.5 तक यदि परीक्षा में पूछे 3, 4, 5 तो आप लोग इसी को टिक मारिएगा, इसका यही होता है। तो ये जान गए कि पीएच मान जब 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय भी क्यों होता है, क्योंकि क्षारीय लवणों के कारण, क्षारीय लवणों के कारण रुधिर क्या होता है, प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, क्षारीय होता है। अकार्बनिक, अब हम जानते हैं अकार्बनिक, ये अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। तो हम लोग समझ गए कि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। ठीक है, इत्यादि ये क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। अब आइए देखते हैं कार्बनिक। कार्बनिक पदार्थों में प्लाज्मा प्रोटीन, पचे हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, घुली गैसें इत्यादि। आप लोग जानते होंगे कि कार्बनिक में पदार्थों में प्लाज्मा प्रोटीन को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पचे हुए भोज्य पदार्थ, वो जो पहले था पदार्थों का ये संवहन करता है, तो ये यही पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, घुली जैसे आदि होते हैं। तो क्या होता है, भोज्य पदार्थ मतलब जो हम लोग खाते हैं उसमें से जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है वो हमारे ब्लड के द्वारा हमारे कोशिकाओं को जाता है, और उत्सर्जी पदार्थ वो होता है जो कोशिकाओं के पास वेस्ट मटेरियल या प्रयोग लायक नहीं होता है, जो हमारे शरीर के प्रयोग लायक नहीं होता है उसे क्या करता है, उसी रक्त में डालकर कोशिकाएं उसे निकाल देती हैं। तो इसके लिए हमारे वीडियो में को आप देख सकते हैं, भोज्य पदार्थ पाचन तंत्र को आप देख सकते हैं, हमारे आई बटन पर आपको मिल जाएगा पाचन तंत्र, और हमारे आई बटन पर आपको उत्सर्जन तंत्र भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जाकर ये दोनों टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं, देख सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि आते हैं। यह सभी रुधिर प्रोटीन्स गोल आकार एवं घुलनशील होते हैं। यह सब प्रोटीन क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ये रुधिर में घुल जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका कार्य। ठीक है, ये जो है आपका प्लाज्मा वो क्या कार्य करता है, पचे भोज्य पदार्थों में ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल आदि आते हैं। इन पदार्थों को शरीर की सभी कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार लेती रहती हैं। तो ये क्या करता है, ये सब ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल आदि को ये कोशिकाओं तक पहुंचाता रहता है, और जिसको जो आवश्यकता पड़ता है कोशिकाओं को सामान वो लेता रहता है। जैसे हम लोग के यहाँ सब्जी वाला आता है तो हमारे घर पर जो चाहिए, जैसे आलू नहीं है तो आलू, गोभी नहीं है तो गोभी, मटर, बैगन इत्यादि, मिर्चा, अदरक, जो नहीं है वो हम ले लेते हैं, जो होता है वो नहीं लेते हैं। तो उसी प्रकार ये क्या करता है, एक सब्जी वाले की तरह ये ठेले पर, एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एक ठेले पर ये लेके सभी कोशिकाओं के पास जाता है और कहता है कि भाई ग्लूकोज ले लो, वसा ले लो, अमीनो अम्ल ले लो, विटामिन्स ले लो, कोलेस्ट्रॉल ले लो। तो ये सब ऐसे ऐसे करता है, तो जो कोशिकाओं को जो चाहता है वो आता है, भैया रुको हमको अमीनो अम्ल दे दो, भाई ग्लूकोज दे दो, थोड़ा सा वसा दे दो, इस प्रकार से।
ठीक है। तो आप लोग ये समझिए कि ये क्या करता है, ये एक सब्जी वाले की तरह होता है, ये लेकर जाता है सभी चीज़ को, और जिसको जिन कोशिकाओं को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो इनसे ले लेती हैं। अब आइए आगे देखते हैं। उत्सर्जित पदार्थों में शरीर के समस्त कोशिकाओं द्वारा विसर्जित की गई अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आते हैं, ठीक है। तो क्या करता है ये तो ये वसा ग्लूकोज को तो देता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कोशिकाओं को देता है। तो सब्जी वाला उनसे पैसे भी लेगा कि नहीं, कि भाई आप इतना सामान लिए हैं तो उसका पैसा दे दो। तो उसी प्रकार ये सब क्या करते हैं, ग्लूकोज वगैरह तो देता है ये उनसे क्या लेता है, वो यह उनसे उत्सर्जित पदार्थों को ले लेता है। जैसे कि क्या लेता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि को ये ले लेता है कि भाई ये तो लिए तो ये दे दो हमको, ठीक है। अब आगे चलिए। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है का आवश्यकता रक्त थक्का बनाने में होती है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन जो होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में चोट लगने पर ब्लड में थक्का बना देता है, थक्का मतलब कि पपड़ी बना देता है, तो इसे क्लॉटिंग भी कहते हैं। एक रोग भी हो जाता है जिसमें शरीर के नसों में ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, जैसे कि थक्का बनने लगता है। तो कहीं कहीं वैक्सीन वगैरह में आप सुने होंगे कि वैक्सीन लगने पर उसके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होने लगा, तो ये एक तरह से बीमारी हो जाता है। तो ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये चोट लगने पर इत्यादि पर ये क्या करता है कि ब्लड में थक्का जमा देता है ऊपरी सतह पे, जिसे हम लोग पपड़ी कहते हैं, और कभी कभी ये अंदर भी जम जाता है तो रोग होता है, ठीक है। अब आइए आगे हम देखते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है इसका उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र मतलब कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, ये हैं वायरस जो होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक, उससे क्या करता है, ये रक्षा करता है। एल्बुमिन प्रोटीन का उपयोग परासरणीय संतुलन के लिए होता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दी जाती है तो शेष प्लाज्मा सीरम कहलाती है। तो ये जो फाइब्रिनोजन जो है, जो थक्का जमाता है ब्लड का, अगर उसको निकाल लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम बराबर क्या होता है, प्लाज्मा और उसमें से माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो क्लॉटिंग करें वो फैक्टर्स को प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सीरम। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।